महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन में चल रही सियासी कुश्ती का दंगल जारी है। आज दिल्ली में कई बड़े चेहरे देखने को मिलेंगे। कहा जा रहा है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, तो वहीं शिवसेना से मिल रहे संदेशों के बीच एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने वाले हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सूबे में बेमौसम बारिश से उपजे हालात से केंद्र सरकार को अवगत कराएंगे। वहीं शिवसेना महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात करेगी। इस दौरान शिवसेना के नेता संजय राउत राज्यपाल को चुनाव के बाद महाराष्ट्र में उपजे राजनीतिक हालात की जानकारी देंगे। बताया भी जा रहा है कि शिवसेना मुलाकात के दौरान राज्यपाल से सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए न्योता देने की अपील करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सियासी हालात लगातार बड़े हुए हैं महाराष्ट्र में, लेकिन उसके बावजूद भी राहत फिलहाल महाराष्ट्र में मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि खींचतान इस कदर यहां पर बढ़ गई है जहां न शिवसेना मानने को तैयार, ना ही बीजेपी मानने को तैयार। और इसी बीच देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, सियासी हालातों की जानकारी देंगे। तो वहीं शरद पवार, एनसीपी के प्रमुख शरद पवार आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे।